तो वो एक चीज ठीक हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जब गाड़ी चलती है तो उसका जो मड है, डस्ट है, वो आके व्हील आर्चर पे बैठती है। तो टू एडल्ट्स वेरी कंफर्टेबली बैठ के लॉन्ग ट्रिप्स कर पाएंगे। और इधर आपको ये रियर वाइपर इधर दिया हुआ था और डिफॉल्ट है जैसे फीचर्स। एक बार इसके बूट को ओपन करके देखते हैं अपन। तो बूट के अंदर आपको 329, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरियंट है, तो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं अगर आप इस। हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर मैट्रिक्स। गजाज किस एपिसोड में लेके आ गए हैं आपके लिए मारुति ब्रेजा का डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू, जहाँ पर हम इसके प्राइजेस, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस एंड मोर ओवर इसका कंफर्ट चेकआउट करने वाले हैं कि कितना कंफर्ट ये आपको ऑफर करती है। सो प्लीज़ बी इन द वीडियो टिल द वेरी एंड। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट आप किसी भी तरह का ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कॉन्टेंट मिस ना करें। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले आप गाड़ी के फ्रंट डिज़ाइन की करें, तो गाड़ी में जो सबसे पहले आप फ्रंट में नोटिस करेंगे तो इसके अंदर आपको ये फुल LED प्रोजेक्टर सेटअप इधर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी विजिबिलिटीज़ हैं। और ये आपको ये LED DRLs भी आपको अवेलेबल आपको करा दिया गया है। अंडरनीथ आपको फॉग लैंप्स अवेलेबल कराए गए। ये पैनल जो है वो आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है। ऊपर का पोर्शन जो है आपको क्रोम के साथ देखने को मिल जाता है। सुजुकी का लोगो भी जो है वो भी आपको क्रोम में ही देखने को मिलता है। नीचे आपको ये मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाता है और ये ग्रे कलर की फिनिश यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बात करें इसके साइड प्रोफाइल की, तो जब आप साइड से गाड़ी को नोटिस करोगे ना तो ये आपको काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस ऑफर करती है ये गाड़ी। उसके पीछे का रीज़न ये है कि काफ़ी लोग इसे बोलते हैं कि ये इसका जो साइड प्रोफाइल है वो रेंज रोवर से डिराइव्ड है। खैर, ये सब चीज़ें का कोई मतलब नहीं है, बाकी इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत ही अच्छी है। इसमें आप देखोगे तो ये आपको डुअल टोन कलर के साथ मिल जाती है। ये आपको बता दूँ एक चीज़ कि ये ब्रेजा का टॉप एंड है, ZXi+ और ऑटोमेटिक भी है ये। इसके अंदर आपको दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, एक 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.5 लीटर CNG इंजन। तो पेट्रोल के अंदर आपको ये गाड़ी 101 BHP की पावर जनरेट करती है एंड CNG में सेम इंजन आपको जो है 87 BHP आसपास पावर आपको देखने को मिल जाती है। तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। बाकी व्हील साइज की बात करें तो व्हील्स जो है आपको इसके अंदर 16 इंचेस के मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 215/60 और R16 इंचेस के व्हील्स आपको इधर देखने को मिल जाते हैं। और ये अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं टॉप एंड में। आपको फ्रंट में जो है डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, रियर में आपको रेगुलर ड्रम ब्रेक्स ही देखने को मिलते हैं। बाकी जो है गाड़ी के अंदर आपको 360 कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसके कैमरा आपको इधर देखने को मिल जाएगा, फ्रंट ग्रिल में आपको मिल जाएगा, रियर की साइड भी आपको एक कैमरा देखने को मिल जाएगा। ORVM जो है आपको वो ब्लैक कलर में मिल जाता है, क्योंकि ये गाड़ी जो है डुअल टोन के अंदर आती है, तो जो रूफ भी है वो ब्लैक में है और ORVM भी आपको ब्लैक में मिल जाता है। बाकी LED टर्न इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं, तो वो एक चीज़ अच्छी रहती है। यहाँ पे डोर हैंडल्स जो है बॉडी कलर आपको मिल जाते हैं। पैसिव एंट्री के लिए आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल करा दिया गया है। और व्हील आर्चेस आप देखोगे ना तो व्हील आर्चेस जो है वो मैट ब्लैक फिनिश में है या फिर रफ ब्लैक फिनिश अगर आप उसको बोलो, तो वो एक चीज़ ठीक हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जब गाड़ी चलती है तो उसका जो मड है, डस्ट है, वो आके व्हील आर्चेस पे बैठती है। तो इन सम केसेस क्या रहता है, अगर आपको वहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाएगा तो उसको मेंटेन करना आपके लिए थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अगर रफ ब्लैक फिनिश के साथ में है तो उतना कोई उसको मेंटेनेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इसे नॉर्मली रफ एक बार वाइप कर देंगे, वो ऐसा पहले के पहले जैसा हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ये छोटा सा क्वार्टर पैनल मिल जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी है ना लंबे फील होती है, ऐसा लगता है कि ये सब 4 मीटर कोई कार है, तो आपको 4 मीटर के अंदर ही आपको गाड़ी जैसा देखने को मिलेगी। ये क्वार्टर पैनल की वजह से गाड़ी है काफ़ी लंबी मिल जाती है। यहाँ पे आप रूफ रेल्स अवेलेबल करा दिए गए हैं, तो वो एक चीज़ अच्छी रहती है। बाकी जो है इसके अंदर आपको शार्क फिन एंटीना, रियर स्पॉइलर, रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। बाकी इसकी टेल लाइट की बात करूँ तो टेल लाइट जो है ना वो आपको LEDs मिल जाती हैं यहाँ पे देखने में, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। टेल लाइट जो है बेसिकली काफ़ी अच्छी है इसकी, जब ग्लो करते हैं बहुत अच्छी दिखती है वो चीज़। बाकी यहाँ पे ब्रेजा की बैचिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ये सुजुकी का लोगो है। बाकी उधर आपको ये रियर वाइपर इधर दिया हुआ था और डिफॉल्ट जैसे फीचर्स इधर आपको अवेलेबल करा देंगे। साथ साथ आपको यहाँ पे वॉशर मिल जाता है, हाई वोल्टेज स्टॉप लाइट भी अवेलेबल कराया गया है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया, जो कि नंबर में 4 है। एक बार इसके बूट को ओपन करके देखते हैं अपन। तो बूट के अंदर आपको 329 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे अच्छी खासी बूट स्पेस आपको देखने में मिल जाएगी, आप अपना सामान जो है इजीली यहाँ पे कैरी कर पाएंगे। उसके अलावा भी अगर आपके पास ज़्यादा लगेज आता है तो 60-40 स्प्लिट सीट्स का फंक्शन अवेलेबल है यहाँ पे। आप वन टच में सीट को जो है फोल्ड कर सकते हैं और आपके पास एक अच्छी खासी बूट स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो वो एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली आपको दी जाएगी। तो वैसे आ चुके हैं मारुति ब्रेजा के इंटीरियर्स में, यहाँ पे बात कर लेते हैं वन बाय वन कि आपको कौन कौन से फीचर्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे नोटिस करने वाले हो कि यहाँ पे आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले।
अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी प्रोविजन दिया गया है, उसके साथ साथ आपको ये 12 वोल्ट का पावर आउटपुट है और एक USB चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है विद ऑटोमेटिक AC और यहाँ पे आपको MID मिल जाती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। अगर आप स्पोर्ट मोड में डाल के गाड़ी को जो है मैनुअल का फील लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है। बाकी स्टीयरिंग आप टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक भी एडजस्ट कर सकते हैं तो वे चीज़ अच्छी रहती है। इधर साइड आपको मल्टीमीटर से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, इधर साइड आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। स्टीयरिंग जो है ये फ्लैट बॉटम मिल जाता है आपको, डी कट स्टीयरिंग व्हील, काफ़ी स्पोर्टी फील होता है। आप जब इसे हाईवे पे लेके जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छी फील ऑब्वियसली देगा। बाकी ऑटोमेटिक AC इधर आपको अवेलेबल करा दिया गया है। एक चीज़ और बता दूं मैं कि इसमें ऑटोमेटिक वेरियंट में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है, 5 स्पीड के साथ में आता है मैनुअल वाला, और ऑटोमेटिक वाला आपको 6 स्पीड के साथ में आता है ट्रांसमिशन ऑप्शन। बाकी इधर साइड आपको लाइट्स मिल जाती है, लाइट्स येलो है और इधर सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है। अब ये क्योंकि सनरूफ वाला वेरिएंट है यहाँ पे आपको एक सनरूफ भी देखने को मिल जाता है, छोटा सा है लेकिन आप इसे काफ़ी अच्छा एंजॉय कर पाएंगे। सन वाइजर से अवेलेबल करा दिया गया है क्योंकि ये मारुति है तो यहाँ पे आपको ये लाइट का प्लेसमेंट भी मिल जाता है तो वो एक चीज़ अच्छी हो जाती है। बाकी इधर साइड आपको कोई वैनिटी वगैरह नहीं मिलता है और टिकट होल्डर ज़रूर आपको इधर साइड एक देखने को मिल जाता है। बात गाड़ी के कंफर्ट की करने से पहले एक बार गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी की बात कर लेते हैं कि गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपको डुअल कप होल्डर्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपने जो भी बॉटल्स हैं वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं है लेकिन फिर भी एक स्टोरेज के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो ग्लव बॉक्स है ये भी काफ़ी डीप है इसका, नॉर्मली मतलब इतना डीप नहीं देखा मैंने कोई गाड़ी में, तो वो एक चीज़ यहाँ पे ठीक हो जाती है। बाकी इसके अंदर आपको 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स का म्यूज़िक सेटअप दिया गया है, काफ़ी अच्छा है वो एक चीज़ है। बाकी डोर्स के अंदर आप 1-1 लीटर की बॉटल्स और अलॉन्ग विद दैट आप छोटा मोटा जो स्टफ़ है ना वो रख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है। ड्राइवर साइड आपको जो है ऑल पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, चाइल्ड लॉक भी आपको देखने को मिल जाता है। ड्राइवर विंडो जो है वो 1 टच अप एंड डाउन फंक्शन के साथ में आपको मिलती है, बाकी सारी विंडो आपको वो होल्ड करके रखना होगा। बाकी पुश स्टार्ट बटन भी यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिया गया है। ड्राइवर के जो टच पॉइंट्स हैं तो स्टीयरिंग और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, बाकी उसके अलावा सब सारा कुछ जो है हार्ड प्लास्टिक ही है, चाहे आप डैशबोर्ड की बात करें या इधर डोर हैंडल की बात करें। एक ये छोटा सा टच पॉइंट ये है तो वो आपको सॉफ्ट टच में मिल जाता है। बाकी डोर हैंडल्स जो है क्रोम में देखने को मिलता है, काफ़ी प्रीमियम लगते हैं वो। और यहाँ पे आपको ये HUD मिल जाती है जो आपको नॉर्मल स्पीड और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाती है। HUD बेसिकली स्टैंड्स फॉर हेडसअप डिस्प्ले, तो ये जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये बाहर आता है डिस्प्ले और वहाँ पे आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। और अब बात करें कार के सीटिंग कंफर्ट की, तो कार के जो सीटिंग कंफर्ट है ना आपको ये 6-bay एडजस्टमेंट सीट आपको मिलती है यहाँ पे, लेकिन वो आपको मैनुअली ही एडजस्ट करना होगा, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता है। आप हाइट के लिए, रीच के लिए और इलेक्ट्रिक लाइन अपना सेट कर सकते हैं, बाकी सीट बेल्ट भी जो है वो भी आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो एक चीज़ अच्छी हो जाती है इधर। तो गाइस अब आ चुके हैं मारुति ब्रेजा की 2nd रो पे, तो यहाँ पे आपको मैं 1 by 1 करके इसके सारे कम्फर्ट फैक्टर्स एक्सप्लेन करता हूँ, कितने आपको कम्फर्ट ऑफर करती है, कितना आपको स्पेस मिल जाता है इस कार के अंदर। तो सबसे पहले जब आप बैठेंगे इस कार के अंदर तो आप देखेंगे कि इसमें आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 3rd पैसेंजर के लिए यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप कोई लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको डुअल कप होल्डर्स भी मिल जाता है, तो वो एक अच्छी चीज़ आती है। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ भी आपको मिल जाता है। और मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो इस कार के अंदर ना जो है वो 2 एडल्ट्स वेरी कम्फर्टेबली बैठ के लॉन्ग ट्रिप्स कर पाएंगे, 3rd पैसेंजर्स के लिए बैठना थोड़ा सा टाइट रहेगा, नॉर्मली किड वगैरह बैठेगा तो मेरे हिसाब से जो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। उसके पीछे 2 रीज़न है, एक तो ये यहाँ पे जो हम्प है ना वो काफ़ी बड़ा है, तो अगर कोई एडल्ट रहेगा तो उसके पैर जो है ना वो सही से आ नहीं पाएंगे, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आपको उसके लिए कोई हेडरेस्ट नहीं है तो वो लॉन्ग ट्रिप में जल्दी थक जाएगा एज़ कम्पेयर टू साइड पैसेंजर्स। और अब यहाँ पे आप देखोगे तो इधर आपको ये रियर AC वेंट्स भी अवेलेबल करा दिए गए हैं, ये चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह भी इधर आपको देखने को मिल जाते हैं, ये कैरी बैग वगैरह आपका अगर कुछ स्टफ रहता है। बेसिकली यहाँ पे आपको एक मार्किंग देखने को मिल जाती है कि आप 4 kg तक का मैक्सिमम लोड कैपेसिटी यहाँ पे ये बियर कर पाएगा। बाकी यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, ये जो आर्म रेस्ट है वो आपको सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में मिल जाती है, और आपको ये बॉटल होल्डर भी मिल जाता है, स्पीकर अवेलेबल कराया गया है, ग्रैब रेल आपको मिल जाती है जो कि फोल्डेबल ग्रैब रेल है। एक कंप्लेन यहाँ पे ये है कि इधर आपको
रियर पैसेंजर्स के लिए कोई भी रीडिंग लैंप अवेलेबल नहीं कराया गया है। हालांकि रीडिंग लैंप कोई दिन भर ऑन करके नहीं रखता है, पर फिर भी एक बेसिक एमेनिटी है, होनी चाहिए, नहीं दी है, क्या कर सकते हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ मारुति ब्रेजा, जहाँ पर हमने इसके प्राइजेस, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन से एक्सप्लेन करे हैं, और कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप जब भी, सबसे पहले तो आप इसकी की आप देखेंगे ना, तो की आपको नॉर्मल जो मारुति 3-4 साल से ऑफर करता आ रहा है, सेम की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे सिर्फ आपको लॉक और अनलॉक का ही बटन देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ मैंने इंजन के बारे में इसके आपको बता रखा है, और इसमें आपको अगर माइलेज की बात करें तो 17-18 KMPL की माइलेज आपको देखने को मिल जाएगी। और जो इसकी प्राइजेस की बात करें तो अप्रॉक्स इसकी प्राइजेस जो है 8.5 लाख रुपये से लेके 14.5 लाख रुपये तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन अदर सिटीज़। तो अगर आप इंदौर शहर के अंदर इस कार को कंसिडर करना चाहते हैं या इसी टेस्ट ड्राइव या चेकआउट करना चाहते हैं, तो रुक्मिणी एरिया पे आकर बेहतर डील आप पा सकते हैं। इसकी एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट आप किसी भी तरह का ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कॉन्टेंट मिस ना करें। थैंक यू।